मशीन ट्रांसफार्मर के स्पेसिफिकेशन ये टिपिकल हैं। जब हम कुछ ऑर्डर करते हैं या खरीदते हैं या ट्रांसफार्मर डिजाइन करते हैं तो ये सब चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। एक होता है सर्किट टोपोलॉजी, फ्लाई बैक, PWM, पुश पुल, किस टाइप के सर्किट के लिए हमें ट्रांसफार्मर यूज करना है। टिपिकल डिजाइन बॉबिन टाइप है, टोराइडल है, कोर टाइप क्या है, EETD, EP, बहुत सारी कोर टाइप होती हैं, ये हमें बताना पड़ता है। कोर मटेरियल, यहाँ हमने फेराइट लिखा है, और भी मटेरियल होते हैं, जो भी मटेरियल चाहिए वो यहाँ लिखना पड़ता है। फिर पावर रेटिंग लिखते हैं, जैसे हमने लिखा है 100 VA, कुछ भी हो सकती है ये। उसके बाद इनपुट वोल्टेज लिखते हैं, यहाँ हमने 100 वोल्ट लिखा है। फिर आउटपुट वोल्टेज 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, ये रेशियो वैलिड होगा टर्न रेशियो के लिए। उस वक्त फ्रीक्वेंसी हम बताते हैं किस फ्रीक्वेंसी पे हम ऑपरेट करेंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा है 100 किलोहर्ट्स। उसके बाद इंसुलेशन लेवल बताते हैं, हमने लिखा है 415 वोल्ट, ये कंटिन्यूअस है, और 3 KV फॉर 1 मिनट, ये शॉर्ट टाइम के लिए है, शॉर्ट टाइम के लिए ओवर वोल्टेज आ सकता है। उसके बाद माउंटिंग कैसे करते हैं, उसकी टर्मिनल कैसे हैं, रेटिंग प्लेट होती है, मार्किंग होती है। फिर ऑपरेटिंग टेम्परेचर हम बताते हैं, 70 डिग्री है या कुछ और है। 70 डिग्री मतलब इंडस्ट्रियल ग्रेड। फिर उसमें टेस्ट कौन कौन से करते हैं उसकी लिस्ट बना के देते हैं कि ये आपको टेस्ट करना है, ये आपको दिखाने हैं हमारे सामने। इंडस्ट्री में जब हम ऑर्डर करते हैं ट्रांसफार्मर तो इसके अलावा भी बहुत कुछ देते हैं, ये तो हमने थोड़ा सा दिखाया है। और स्टैंडर्ड, बहुत से स्टैंडर्ड होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, वहाँ हम स्टैंडर्ड का नाम लिखते हैं यहाँ पर कि कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो होगा। अब हम देखेंगे जब ट्रांसफार्मर बन जाता है, मैन्युफैक्चर हो जाता है, तो उस पर टेस्ट कौन कौन से करते हैं। टर्न रेशियो टेस्ट करते हैं, वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं, कोर लॉसेज मेजर करते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं जिसको मेगा टेस्ट भी बोलते हैं, और हाई वोल्टेज टेस्ट करते हैं। हाई वोल्टेज क्या होता है, जैसे अभी हमने बताया था 3 KV फॉर 1 मिनट, कुछ समय के लिए हम हाई वोल्टेज देते हैं, और इसमें क्या करते हैं, इंसुलेशन का रेजिस्टेंस चेक करते हैं। आज यहीं समाप्त करते हैं।